जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। 21 जून 2022 विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में नगर योग उत्सव समिति गोंदिया द्वारा शहर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रोटोकॉल अनुसार योगाभ्यास का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस योग उत्सव में नगर के हजारों नागरिकगण सम्मिलित हुए, जिसमें आरोग्य भारती, आर्ट ऑफ लिविंग, अखिल भारतीय गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, पंजनजलि योग समिति, रामकृष्ण सत्संग मिशन, योग मित्र मंडल, योग मित्र मंडल, नेहरू युवा केंद्र, विविध सामाजिक सांस्कृतिक खेल संगठन संस्था तथा जिले के सभी केंद्र तथा राज्य शासकीय विभाग, जिसमें मुख्यतः जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिषद प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्कूल आदि इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर योग उत्सव मनाया। योग उत्सव में प्रमुख रूप से उपस्थित श्री जयराम जी देश पांडे RDC गोंदिया, इन्होंने कहा कि योग अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। नियमित योगाभ्यास करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल हो जाते हैं और विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है तथा प्रशांत बोबचे ने इनके मार्गदर्शन में पाड़ा वर्ची शाला कुड़वा के बच्चों ने राष्ट्रगीत गाया। आभार प्रदर्शन समिति सचिव डॉक्टर प्रशांत कटरे ने किया। विश्व योग दिवस के कार्यक्रम समाप्ति पश्चात इंदिरा गांधी स्टेडियम के गेम्स एंड स्पोर्ट्स हॉल में समिति द्वारा भव्य रक्तदान शिविर विशेषज्ञों की देखरेख में लिया गया। इस पुण्य कार्य में 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक सहयोग प्रदान किया। हमारी सम होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। सम धातु एक स्टडी के अनुसार हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, पेशी ऊतक। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 खरब। तो ये धातु, ये पेशियों का विज्ञान है। हमारी पेशियां संतुलित होनी चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस जो मुख्य रूप से होता है वो नहीं होना चाहिए। मलक्रिया, हमारे शरीर का उत्सर्जन व्यवस्थित हो। इतना ही नहीं, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारी आत्मा, इंद्रियां, यह खुशहाल और स्वस्थ होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए। वही व्यक्ति स्वास्थ्य इति अभिधीयते, यही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो इतनी सुंदर व्याख्या है, इस व्याख्या के अनुरूप अगर हम देखें तो अधिकांश लोग देखेंगे कि हम उस मापदंड पे कई बार खरे नहीं उतरते। तो इन सब चीजों को जिसे दोष संतुलित कर देता है योग, अग्नि को संतुलित कर देता है योग, धातुओं को संतुलित कर देता है योग, और जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है, हमारे शरीर की चयापचय क्रिया, इसको सबको ठीक कर देता है। इसलिए योग अति आवश्यक है। एक चर्चा उठती है कि एक दिन योग करने से क्या होगा। वास्तव में बिल्कुल सही बात है, योग तो हमारी निरंतर अखंडित प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उस दिन प्रभात फेरियां निकलती हैं, झंडा वंदन होता है, गान दिया, उसको हम याद रखें, स्वतंत्रता के महत्व को हम समझें। ठीक इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संगठन UN, इसने तय किया कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए, जो कि सभी को योग के उनके जीवन में महत्व के प्रति प्रेरित करेगा। तो यह एक प्रकार से उत्सव है जो हम एक मनाते हैं। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।